कि सत्ता अपने हाथों से ताना शाह जाने नहीं देना चाहता है। वो हर हथकंडा अपनाएगा, वो अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा उड़ाएगा, वो लोकतंत्र की हत्या करेगा, वो संविधान को ताक पर रखेगा। और आप सबके अंदर अगर खून अभी पानी नहीं हुआ है तो उस खून को उबलने दीजिएगा और मुंह तोड़ जवाब उन्हें भी देंगे जो आज हथियारों के दम पर, जाति और धर्म के दम पर इस देश को अराजकता और आग में झोंकना चाहते। चोरों को चोर कहेंगे, चोर को सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी। 140 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है, लेकिन संसद में 4.5 साल में मात्र 7 बार आता है और देश के मुद्दों पर बात करने से वो भाग जाता है। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, क्या नारा था बापू महात्मा गांधी का? करो करो या करो या मरो। आज एक बार फिर से बापू हमें ललकार रहे हैं कि आज हमें गौरों से नहीं, हमें सत्ता में बैठे चोरों से लड़ना है। और आज करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। क्या नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अंग्रेजों को भारत नहीं छुड़वाना है, आज किसे भारत छुड़वाना है? बेरोजगारी भारत छोड़ो, बेरोजगारी बेरोजगारी महंगाई महंगाई हिंसावादी हिंसावादी जातिवादी धर्मवाद पूंजीवाद तानाशाह कट्टरवादी, आज इनसे भारत आपको और हमें छुड़वाना है। मां भारती अपने क्रांतिकारी सपूतों से खून मांग रही थी, इस देश की धरती खून में नहाई। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े, यहां जो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है, आपसे आज मां भारती खून नहीं मांग रही है। अगर आपको पसीना भी बहाना नसीब हो, इस भारत माता के लिए आज यहां खड़े होकर पसीना भी बहाना नसीब हो तो भाग्यशाली समझिएगा अपने आप को कि भाग्यशाली है, खून नहीं पसीना बहाने को भी अगर मिलता है। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं, पूछना चाहती हूं युवा कांग्रेस के साथियों से, क्या उन दोनों बेटियों को प्रधानमंत्री जी के आवास पर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए प्रधानमंत्री जी का सर उन बेटियों के सर पर, हाथ उनके सर पर देखना चाहते थे? लेकिन प्रधानमंत्री जी आप इतने असंवेदनशील हैं, आपको राजनीति से फुर्सत नहीं, आपको बेटियों से मिलने की फुर्सत नहीं है। लानत है ऐसी सरकार को जिसकी संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी। मोदी जी के पूंजीपति मित्र, खुलासा हुआ है संसद में, वित्त मंत्रालय ने लिखित में दिया है अडानी की संपत्तियां कितनी थी। 2014 तक अडानी की संपत्ति थी 50,000 करोड़। कितनी थी 2014 तक अडानी की संपत्ति थी? 50,000 करोड़। आज अडानी की संपत्ति कितनी है? मात्र 9 साल में 12 लाख करोड़। कितनी है? 50,000 करोड़ का मालिक आज 12 लाख करोड़ का मालिक बन चुका है, क्योंकि मोदी जी आपने देश की एक एक संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेच दिया है। कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने 14 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया है और किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया है। चोरों को चोर कहने पर, चोरों को चोर कहेंगे, चोर को सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी। आपका मेहनत ईमानदार का पैसा अगर कोई लेकर भागे तो उसे चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2024 की लड़ाई परिवारवाद पर होगी। चुनौती दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, आप जाइए 2024 का चुनाव परिवारवाद पर लड़िए और हम इसे बेरोजगारी और महंगाई पर लड़ेंगे। मान लीजिएगा विश्वास कि पूरे देश का युवा बेरोजगार किसान जवान एक बार फिर से उसे ताकत मिलेगी। मैं आप सभी का कहूंगी एक रहिएगा और अपनी दिशा अपनी दिशा अपनी मंजिल से नजर मत हटने दीजिएगा, क्योंकि आने वाले महीने आपके लिए, हमारे लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, 140 करोड़ आबादी के लिए बेहद ही नाजुक दौर से गुजरने वाले हैं। क्योंकि सत्ता अपने हाथों से ताना शाह जाने नहीं देना चाहता है, वो हर हथकंडा अपनाएगा,
वो अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा उड़ाएगा, वो लोकतंत्र की हत्या करेगा, वो संविधान को ताक पर रखेगा। और आप सबके अंदर अगर खून अभी पानी नहीं हुआ है तो उस खून को उबलने दीजिएगा। लेकिन हमें गांधी की पार्टी में है, हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, हमें बंदूक हथियार नहीं उठाने, हमें इस लोकतंत्र में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर उठा जाकर आवाज उठानी है। हम वो आवाज उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब उन्हें भी देंगे जो आज हथियारों के दम पर, जाति और धर्म के दम पर इस देश को अराजकता और आग में झोंकना चाहते। पिछले 4.5 साल में संसद में प्रधानमंत्री जी मात्र 7 बार आए, कितनी बार? 7 बार। 4.5 साल में प्रधानमंत्री देश का संसद में 7 बार आता है और 7 बार बोलते हैं, उसमें से 5 बार मजबूरी में बोले क्योंकि राष्ट्रपति जी का भाषण था और उनके अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना होता है, और उसके बाद मात्र 2 बार बोले। आपको 140 करोड़ के लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में नहीं बोलता लेकिन संसद के बाहर जहर उगलता है, लेकिन संसद में 4.5 साल में मात्र 7 बार आता है और देश के मुद्दों पर बात करने से वो भाग जाता है।